हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारे आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक डार्क ब्लैक टाइप का कलर ग्रेडिंग आप लोगों को सिखाऊंगा, जो कि बहुत सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट किया था मेरे इस वीडियो के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर बार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, मैं मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले जाऊंगा और वहां पे ले जाके जो मॉडी डार्क टाइप का जो कलर ग्रेडिंग होती है, जो डार्क ब्लैक टाइप का, तो वो उस आपको सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना और सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लेना, ताकि यहाँ पे जो एडिटिंग करने के वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए मैं मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो देख सकते हो मैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको ये फोटो दिख रहा है, ये तो ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग पे आप लोगों को दिखाया था किस तरह का एडिटिंग हो पाया था मेरा। तो कुछ इस तरह का फोटो के ऊपर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैकग्राउंड का एक डुप्लीकेट लेयर बना लो, क्योंकि ये बैकअप के लिए मैं बैकग्राउंड का रखूंगा और बैकग्राउंड का कॉपी के ऊपर काम करूंगा। तो चलिए सबसे पहले डुप्लीकेट लेयर तो यहाँ पे बना लिया मैंने। अभी आपको करना क्या होगा, अभी एडजस्टमेंट आइकन पे जाके आपको सबसे पहले हुई सैचुरेशन वाली लेयर ले लेना है। यहाँ पे देखो मैंने हुई सैचुरेशन वाली लेयर तो ले लिया, अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करना पड़ेगा परफेक्टली। पहले देखो ये जो मास्टर सिलेक्ट किया हुआ है ना एडिट पे, तो इसको आपको कर लेना है सबसे पहले ग्रीन। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड पे मेरा ग्रीन कलर है, तो इसलिए मैं सबसे पहले ग्रीन को चूज करूंगा। इसका जो हुई होगा फुल्ली 100 करता हूँ। सबसे पहले कुछ इस तरह से आपको और दिखेगा, आपको घबराना नहीं है, सैचुरेशन को फुल्ली -100 कर लो। अभी देखो इसको आप चाहो तो यहाँ पे हुई को -180 कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ कलर अलग सा आ रहा था, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा 180 बेस्ट है। आप यहाँ पे 0 रखोगे तो वहाँ पे भी परफेक्ट कलर नहीं आएगा। 180 पे करने के बाद सैचुरेशन 100 करो, -100, एंड लाइटनेस को -10 कर लो। अब यहाँ से चली जाओ ग्रीन से, सबसे पहले आपको जाना होगा योलो के ऊपर, जिसका योलो का सैचुरेशन फुली -100 पहले करो। उसके बाद इसका जो लाइटनेस है वो आपको -10 कर लेना है, और यहाँ से हुई को आपको देख लेना है नियर अबाउट -25 के आसपास आपका परफेक्ट कलर आएगा। देखो मैंने कुछ इस तरह से -25 के आसपास डाल रहा हूँ। तो डाल देने के बाद मैं यहाँ पे देखो योलो का काम कंप्लीट हो गया है। अगर आपका यहाँ पे क्यान कलर वगैरह सारे कुछ होगा वो भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो, लेकिन तो मैं रिकमेंड करूँगा इतना तक काफ़ी है, आप सिंपली ओके कर सकते हो। या आप अगर क्यान कलर आपका फोटो के ऊपर है तो उसको आपको यहाँ से सैचुरेशन को फुल्ली -100 कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे किया। अगेन इसका लाइटनेस को -10 के आसपास डालना है और ओके करना है। अभी देखो ब्लैक टाइप का बैकग्राउंड यहाँ पे मेरा बन चुकी है, लेकिन बन जाने के बाद भी आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें वगैरह ध्यान रखते हुए काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे और क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक अट्रैक्टिव लुक देना पड़ेगा जो मॉडी टाइप का कलर होती है। तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा कलर बैलेंस, जो कि मेरे इसे यहाँ पे एडजस्टमेंट आइकन पे जाके आपको आसानी से मिल जाएगा। अभी यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले मिडटोन ही चूज रहना है। यहाँ पे जो क्यान होगा -20 कर लो, -20 किया, थोड़ी सी यहाँ पे कलर देखो चेंज हो रही है। अभी मैजेंटा को -10 कर लो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ देख ही सकते हो 10 किया। अभी इसका जो ब्लू होगा +10 कर लो, कुछ इस तरह से आया है, थोड़ी सी ब्लू इस मतलब डार्क ब्लू टाइप का अच्छा कलर कुछ नियर अबाउट आ रही है। अब हाईलाइट्स पे जाना, यहाँ पे भी क्यान -20 देखो जिस तरह से हो रही है, मैजेंटा -10, और यहाँ से जो ब्लू है ब्लू +10 के आसपास कर लो और यहाँ से ओके करो। अभी देखो ये जो कलर आया है ये ब्लैक टाइप का कलर है, लेकिन थोड़ी सी मॉडी टाइप का, थोड़ी सी ब्लूनेस एक्स्ट्रा है। तो इस तरह जब आ जाएगा आपको, इसके ऊपर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला लेयर ले लो, जहाँ पे आपको ब्राइटनेस 10 एंड कॉन्ट्रास्ट 10 डाल दो। थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो जाएगा तो बढ़िया टाइप का यहाँ पे देखो फोटो लगेगा। तो आपको भी कुछ इस तरह से आउटपुट पहले आ जाएगा। आप सिंपली एक काम और एक कर लो, एक सिलेक्टिव कलर ले लो, जहाँ पे यहाँ पे फोटो के ऊपर जितना सारा डस्टी टाइप कलर होगा उसको रिमूव करना। वो कैसे, कलर जो रेड चूज किया हुआ है इसको कर लो ब्लैक। अब सिंपली इसका जो ब्लैक का ब्लैक होगा वो उसको +10 के आसपास कर लो और ऐसे ओके कर लो। अभी देखो फोटो कितना परफेक्टली यहाँ से डस्टी टाइप का कलर रिमूव कर चुका है, और बढ़िया तरीके से यहाँ पे डार्क टाइप का कलर यहाँ पे लग रही है, जो डार्क ब्लैक टाइप का कलर यहाँ पे लग रही है। तो सिंपली यहाँ से इतना होने के बाद आप अगेन एक काम कर लो, सिलेक्टिव कलर पे चली जाओ। इस सिलेक्टिव कलर पे आप अगर ब्लूनेस थोड़ी सी फोटो के ऊपर एक्स्ट्रा आ गया है तो आप ब्लू का जो यहाँ पे ब्लैक है लिटिल बिट इंक्रीज करो। देखो लाइटनेस किस पे पहली बार परफेक्ट आ रही है, आप यहाँ पे देख के ही कर लेना, जैसे मैं यहाँ पे येलो को इस तरह किया, और आप चाहो तो नियर अबाउट आप धीरे धीरे करके इस तरह से मैनेज करके करके परफेक्टली बना लेना। मेरे यहाँ पे नियर अबाउट क्यान को फुली 100 करना है।
अभी यहाँ कैन पे जाऊंगा, यहाँ से कैन का इसका कैन को फुल्ली 100 किया, मैजेंटा को लिटिल बिट इंक्रीज, योलो को भी थोड़ी सी इस तरह से डाउन कर दूंगा। यहाँ पे मेरा योलो थोड़ी सी डाउन परफेक्ट लगेगा, और ऐसे ब्लैक जो होगा ब्लैक को भी लिटिल बिट इंक्रीज करूंगा और यहाँ से ओके करूंगा। अभी ये वाला लेयर से देखो थोड़ी सी कलर टोन मैनेज भी हो चुकी है। अभी ओवरऑल फोटो से अगर सारे कुछ आपको दिखा देता हूँ, ग्रुप बना के कितना परफेक्टली हो पाया है वो सारे कुछ आपको दिखा देता हूँ। चलिए ग्रुप बना के सारे को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हो इस तरह से। अभी देखो पहले फोटो था कुछ इस तरह का, जो ग्रीन टाइप का था, नॉर्मल था। इसका स्किन को भी अगर ध्यान रखोगे, अभी देखो अप्लाई करने के बाद कितना गोरा टाइप का भी स्किन यहाँ पे बन चुकी है, तो आपका फोटो के ऊपर भी इस तरह बन जाएगा। देखो डार्क टाइप का फुल्ली कलर ग्रेडेड हो चुकी है। अगर आपका कुछ फ्लावर्स वगैरह सारे कुछ रहेगा वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ओनली आपका जो बैकग्राउंड है वो देखो कितना परफेक्टली यहाँ पे चेंजेस हो चुकी है। तो बहुत सारे भाइयों ने इसी का ही ट्यूटोरियल पूछ रहा था कि इस फोटोशॉप जो सीसी वर्सन है उसके अंदर आसानी से हो जाती है कैमरा मोड ड्रॉ फिल्टर की मदद से, लेकिन यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ों की मदद से मैं यहाँ पे भी कर दिया फोटोशॉप 7.0 के अंदर। अगर आपको फोटोशॉप सीसी वर्सन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इसी टॉपिक के ऊपर, तो मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं उसका भी वीडियो लेके आ जाऊंगा जितना जल्द हो सके। तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स पे बताना, और ये वाला एडिटिंग किस तरह का लगा वो भी एक बार कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। और इतना सारा चीजें वगैरह हो जाने के बाद आपको दिख रहा होगा किस तरह का फोटो लग रही है, अगर इसके बाद भी आप कोई सा भी फोटो का चेंजेस करना चाहते हो ना तो एक काम कर लो। जैसे मैं कोई सा भी एक फोटो ओपन करता हूँ, चलिए ये वाला फोटो ओपन किया, तो सोचिए ये वाला फोटो का जो सेटिंग्स मैंने अभी अभी किया, आप चाहो तो किसी भी और भी फोटो के ऊपर यही सेटिंग्स अप्लाई करना चाहते हो, तो पहले ये वाला को मैंने सिलेक्ट किया जिसके ऊपर मैंने एडिट किया, इसका ग्रुप को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ये वाला फोटो के ऊपर। अभी देखो एक काम करता हूँ, ग्रुप को ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले एक चीज को मैं निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड का कॉपी जो कि यहाँ से मैं निकाल देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से निकाल दे रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ से इस तरह से निकाल दिया। अभी देखो अभी ये ग्रुप को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा इस फोटो के ऊपर। अभी इसके ऊपर भी देखो कितना परफेक्टली यहाँ पे मैच हो चुकी है, तो आपका भी फोटो जो रहेगा वो देखो कितना परफेक्टली एंड बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैच हो चुकी है। तो आप चाहो तो कुछ इसी प्रकार से किसी भी फोटो के ऊपर ये ग्रुप डाल सकते हो, और डालने के बाद जो मॉडी डार्क टाइप का कलर ग्रेडिंग होती है वो आसानी से आप इस तरह से कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे मैं सेटिंग्स वगैरह आप लोगों को बता दिया। अगर ये वाला जो सेटिंग्स होती है ना वो परफेक्टली आपको मैच हो जाती है, तो आप अगर ये वाला सेटिंग्स अप्लाई कर देते हो किसी भी फोटो के ऊपर, तो अगर आपको इस तरह से आउटपुट मिल जाती है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। और ये जो फिल्टर है, मतलब ये जो प्रीसेट है, ये सोचिए इसको ये ग्रुप को आप आसानी से अपने फोटो के ऊपर डाल सकते हो। वो कैसे, मैं इसका PhD का लिंक दे दूंगा, आप सिंपली एक काम कर लेना। जैसे कि अगर ये ग्रुप को यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, चलिए डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, सेट एंड कॉन्टेंट्स डिलीट किया। अभी सोचिए इसके ऊपर मैंने काम किया ये वाला फोटो के ऊपर, तो सिंपली ये नॉर्मली इसका जो ग्रुप इस तरह से मिल जाएगा, ये ग्रुप को डाल दो इस फोटो के ऊपर, जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया, सेम टू सेम इस तरह से डाल के फोटो का आउटपुट आसानी से ले सकते हो। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर था, आशा करता हूँ ये जो चीज़ें वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड किया, ये जो सेटिंग्स वगैरह आप लोगों को दिखाया अच्छा लगा होगा। ये फोटोशॉप 7.0 के अंदर है, इसीलिए बहुत ही मेहनत लगता है ये वाला एडिटिंग करने पे, तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नया कुछ इस तरह से एडिटिंग के साथ, नया कुछ इस तरह से ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।